खबर बिहार के ठकराहा से है, जहां पर विधायक रिंकू सिंह ने ठकराहा प्रखंड का दौरा किया। वाल्मीकि नगर विधानसभा के विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह रिंकू उर्फ रिंकू सिंह ने मंगलवार को देर शाम तक ठकराहा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने जनता के समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन भी दिया, जिससे लोगों को काफी संतुष्टि भी मिली। विधायक रिंकू ने बताया कि मेरी प्राथमिकता प्रत्येक लोगों से मिलना है और पावर के अनुसार समाप्त उनकी समस्या को खत्म करना है। इस दौरान जगह जगह विधायक का भव्य स्वागत भी किया गया। इसी क्रम में ठकराहा पंचायत मुखिया वीरेंद्र तिवारी, मोतीपुर पंचायत के नीमिया टोला निवासी युवा नेता सूर्यनाथ यादव के घर पर तथा कई अन्य जगहों पर चौपाल भी लगाया गया। जदयू द्वारा देश को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह ने ठकराहा प्रखंड के कोयर पट्टी विद्यालय के पास में पौधारोपण कर धरा को हरित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उन्होंने ठकराहा प्रखंड में कई जगह पौधारोपण भी किया। विधायक श्री सिंह ने कहा कि आज हरे भरे पेड़ों की कटान से धरती की हरियाली नष्ट होती जा रही है। यही नहीं, पेड़ हमें जीवन दायिनी शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि सब धरती माँ का पौधारोपण कर श्रृंगार करें। आइए यहाँ पे बात करते हैं, विधायक जी भी आए हुए हैं, विधायक जी से वार्ता हमारी हुई। आइए उनके जन प्रतिनिधि ठकराहा प्रखंड से बात करते हैं कि यहाँ पे लगातार नदी का दबाव बंधे पे बढ़ता जा रहा है और आम जनता तबाही झेल रही है। यहाँ पे करोड़ों रुपए, 6-7 करोड़ 10 करोड़ के लगभग रुपए खर्च करके बंधे को बचाने के लिए नदी के कहर से अप्रोच का निर्माण किया गया। थोड़ा उधर जूम कीजिएगा। अप्रोच का निर्माण किया गया और ये अप्रोच इस समय धराशायी हो चुका है और नदी में समा गया है और पूरी की पूरी तरह डाउन हो गया है। आइए बात करते हैं जनप्रतिनिधि से, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये अप्रोच का ऐसा कंडीशन है, ये एक ऐसा क्यों है और भविष्य में इसको किस तरह से आप देखना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि सिंचाई विभाग इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और जो कंट्रेक्टर थे इसके पहले जो काम किए हैं उन्होंने काम किया, लेकिन भविष्य में इसका खराब दिखाई दे रहा है। पूरा अप्रोच जो ढहने के कगार पर है और अभी ये ऐसा नज़र आ रहा है कि पूरा अप्रोच कुछ दिन में ढह जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। ढहने के बाद तो आप एक्शन लेना चाहेंगे कि ये जो काम की गई इसमें लूट खसोट किया गया, किस वजह से कमजोरी से काम हो जिसमें से धरा सही हो गया? फ्लड का काम है, लूट खसोट तो लोग करते ही हैं, इसमें तो कोई भी आप इस पे क्या एक्शन लेना चाहेंगे विधायक जी? एक्शन लेने का मतलब है कि एक्शन तो लिया जाएगा, इसमें ये है कि इस पर कार्रवाई होगी, उसकी कोशिश की जाएगी कार्रवाई होगी और इसकी सुधार के लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही है, क्योंकि मात्र 2-3 महीने 4-5 महीने के अंदर पानी फिर आ जाएगा, फिर काम नहीं हो पाएगा। नहीं, इसकी सुधार से सिंचाई विभाग से कह के इसका सुधार कराया जाएगा और कहने का मतलब है कि फिर एक लगभग 1 महीना 20 दिन के बाद इसमें काम लगेगा। जो भी महीने दिन के अंदर उम्मीद कीजिए कि काम लगेगा। एसकोटी है, इंजीनियर है, जो भी है इस पर उनको दिखा के उनसे इस पर काम कराया जाएगा ताकि ये सुरक्षित रहे और हमारा ठकराहा प्रखंड किसी तरह से बचा रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर। आपका शुभ नाम? रोबिन कुमार चौधरी, जिला पार्षद प्रत्याशी। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के सामने आप लोग प्रतिनिधि हैं और हम एक चीज देख रहे हैं क्या कि मौत का कुआं बना पड़ा है पीपा पुल और यहाँ पे आम जनता तबाही झेल रही है और मौत की से निकल के बाहर आ रही है। आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक किस कारण के वजह से, किसकी लापरवाही की वजह से पीपा पुल डिस्टर्ब पड़ा हुआ है और साथ में देखा जाए तो जो भी अप्रोच बना हुआ है वह नदी में समाहित हो रहा है? यहाँ के प्रतिनिधि लोग पूरे विभाग के जरिए मिले हुए हैं और जो 50% और 60% अपने में डिवाइड करके काम कराते हैं। कहा जाए तो पीसी चल रहा है जी, परसेंटेज ऑफ कमीशन। जी 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 जी, उसे ये आवाज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए कि आवाज़ वहाँ तक पहुँचे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास कि उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद विधायक जी। जो आप कंडीशन देख रहे हैं पीपा पुल का, जो मौत का कुआं बना हुआ है, आम जनता किस तरह से सफर कर रही है आप देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे आम जनता को एक आश्वासन दिया गया था कि जीत के बाद पक्का पुल का निर्माण होगा, अब वर्तमान में पीपा की कंडीशन आपकी आंखों के सामने है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जीत के बाद जीते हुए मुझे कितना दिन हुआ, मुश्किल से अभी 2 महीना से 3 महीना हुआ, किसी भी काम के प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, तो चूंकि इस पर लंबा पुल है तो उसमें भी समय लगेगा। और जहां तक रही पीपा पुल की बात, तो पीपा पुल पर कुछ त्रुटियां देखी जा रही हैं, इस वरीय पदाधिकारियों से बात कर और इसको अविलंब ठीक कराया जाए। कैमरामैन नितेश तिवारी के साथ धीरज श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज़।
ठकराहा। ठकराहा से धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।